हेलो एंड वेलकम टू इंडियन यम, दिस इज योर शिल्पा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्विक एंड इजी स्नैक रेसिपी जिसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। व्रत का आलू नमकीन बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं। सूखे नारियल को मैंने यहाँ पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून ऑफ घी, थोड़े से काजू जिन्हें मैंने बीच में से तोड़ लिया है, आधा कप मूंगफली के दाने, आधा कप मखाने और काली मिर्च। आलू को मैंने छील लिया है और अब हमें इन्हें मोटा मोटा ग्रेट करना है, तो यहाँ मैंने बड़े बड़े होल्स वाले श्रेडर का यूज़ किया है। तो हम दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी और इन्हें अच्छे से धो लेना है और ये पानी को हम ड्रेन कर देंगे और इस प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। तो आलूओं को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और इसका पानी भी काफ़ी ड्रेन हो गया है, तो अब हम इन्हें एक किचन टॉवल के ऊपर फैला देंगे। ऐसा करने से इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाता है। अब एक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ घी। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम मखाने डाल देंगे और इन्हें हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। मखानों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो इन्हें मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। सेम पैन में हम सूखे नारियल के स्लाइसेस भी भून लेंगे। देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ काजू, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इन्हें भी मैंने बाउल में निकाल लिया है। अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और इसमें अब हमें पीनट्स को फ्राई करना है। पीनट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी सेम बाउल में निकाल लेंगे। ग्रेटेड आलू का मॉइस्चर भी काफी रिड्यूस हो गया है तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब ग्रेटेड आलू को हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है। इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें, अगर आप एक साथ बहुत सारे आलू डाल देंगे तो ये आपस में स्टेक हो सकते हैं। तो ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो बस इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे। फ्राइड आलू को भी मैंने सेम बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। और सेंधा नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही इजी व्रत वाला आलू नमकीन। इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सो डू ट्राई दिस सुपर इजी फास्टिंग स्नैक। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।